नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल में अमित शाह की ओर से सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह की नजर अब ग्वालियर चंबल पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। अमित शाह की नजर अब ग्वालियर और चंबल पर टिकी हुई है। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, जिसमें मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह पहुंचे हैं। भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा, जिसमें सरकार की तमाम उपलब्धियां, 18.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की ये बैठक आयोजित होने जा रही है। अब बीजेपी मिशन मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है, जिसके चलते गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं। प्रभु पटेरिया जी, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर सामने आ रही है, अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर? प्रभु पटेरिया जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी का मिशन मध्य प्रदेश अब देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे और भोपाल में सरकार के 18.5 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में प्रदेश समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे, मौजूद रहेंगे। वहीं मिशन मध्य प्रदेश पर बीजेपी का फोकस पूरी तरह से बना हुआ है। ग्वालियर में गृहमंत्री अमित शाह की ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को गृहमंत्री अमित शाह जीत का मंत्र भी देंगे। भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी गृहमंत्री की ओर से पेश किया जाएगा, जो 18.5 साल में सरकार की उपलब्धियां हैं उसको पेश किया जाएगा। आपको बता दें, ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक। खबर है कि अमित शाह के साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे ग्वालियर में। आपको बता दें कि भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड अमित शाह की ओर से पेश किया जाएगा। मिशन मध्य प्रदेश पर बीजेपी की अब निगाहें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में तमाम तरह की बीजेपी की ओर से कोशिशें की जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, बड़े नेताओं की ओर से।
जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की जमीन पर हैं और कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह जीत का मंत्र भी देंगे। प्रभु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रुको यार, मेरे को मिशन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की ओर से तमाम तरह की तैयारियां जो हुई थी वो अब होती नजर आ रही हैं। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक होने जा रही है। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह जीत का मंत्र देंगे और तमाम तरह की जो 18.5 साल में सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी गृह मंत्री गिनवाएंगे। आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के और भी बड़े चेहरे नजर आएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ चुके हैं। प्रभु पटेरिया जी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है, इस खबर को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह चुनावी मोड पर उतर चुकी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान शुरू कर रहे हैं और इस महाअभियान में उन 1,36,00,000 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जो बीजेपी की सरकार के दौरान, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2019 के बीच में जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो उनके परिवारों से संपर्क करना और इसके साथ ही 20 साल के जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही है उसमें 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल उसको छोड़ के बाकी के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड वो पेश कर रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि 2003 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की कितनी खराब स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, पानी की दिक्कत थी लोगों को, अब हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा, तो इस तरीके से विकास के जो कार्य हैं वो सारे इस पे गिनाए जाएंगे। जी, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना अहम है? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी जो भी निर्णय हो रहे हैं वो अमित शाह की सहमति से हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ये दो उनके सहयोगी की भूमिका में दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्लान है, 5 यात्राएं निकाली जाएंगी, 5 अलग अलग क्षेत्रों से लोग जाएंगे और 25 सितंबर को एक बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से एक एक का जो वोटर है उससे संपर्क का अभियान यहाँ बीजेपी कर रही है। जी, बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर उतारा है, तो कैसे देखते हैं कि लोगों तक ये कार्यकर्ता कैसे अपना संवाद करेंगे? देखिए, एक बड़ा अभियान बीजेपी चला रही है, उनके जो कार्यकर्ता है उनका सब कुछ डिजिटाइजेशन किया गया है, ऐप के जरिए जोड़ा गया है, वो जिस घर में जाएंगे संपर्क करेंगे उसकी फोटो उनको अब तुरंत अपलोड करनी है। 230 विधानसभा क्षेत्र में 230 दूसरे राज्यों के विधायक उनको उतारा गया है, उनको 7 दिन तक जाके क्षेत्रों में काम करना है, उनको रोज की ऐसी तरीके से ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो फीडबैक देंगे कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ पे कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, और इसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनको लगातार मोबिलाइजेशन करने के लिए पार्टी तरह तरह के कार्यक्रम करके जो विकास को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है इसको हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, टोली के ऊपर टोली और उसके ऊपर टोली और फिर केंद्रीय टोली, इस तरीके से कई चरण की एक स्कीम तैयार की गई है जिसपे लगातार मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी कार्यालय में पूरा वॉर रूम बनाया गया है, उस वॉर रूम से एक एक कार्यकर्ता पर नजर रखी जा रही है, तमाम जो नाराज नेता है पुराने उनको मनाने के प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी ने जो कुशल सीटें थी उनकी जो 2018 के चुनाव में हारी थी, ऐसी सीटों 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी पहले से उतार दिए हैं, तो एक तरीके से ये कहें कि बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है, अब वो पीछे हटने की कोई तैयारी में नहीं है। ये वो सीटें हैं जहां पर दावेदारों का विरोध यदि है तो उसको कैसे शांत किया जाए, तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, तमाम केंद्रीय नेता। जी प्रभु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता संतोष सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है, जो कि आप जमीनी स्तर पर हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं?
देखिए ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जो तैयारी है उसको सुबह 9 बजे से हो गई थी। यहाँ पे लगातार जो बैठक में शामिल होने वाले लोग हैं उनका आना जाना शुरू है, तो 9 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। अगर बात की जाए तो लगभग 1 बजे के बाद से यहाँ काफ़ी गहमा गहमी होने वाली है। अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो प्रदेश स्तर के और केंद्र स्तर के जो नेता उनका लगातार आना जाना लगा हुआ है। वहीं बात की जाए यहाँ जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार परिसर में होने वाली है, यहाँ पे उसी परिसर में मीडिया के लिए एक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है जहाँ से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो आके अपनी ब्रीफिंग देंगे। वहीं बात की जाए तो अमित शाह का जो दौरा है वो अमित शाह लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको दिशा निर्देश देंगे। अगर बात की जाए चुनाव की रणनीति की तो यहाँ पे चुनाव की रणनीति पर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। बात की जाएगी कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है उसकी विफलताओं को किस तरह से जनता के बीच ले जाया जाए और जो उनकी कमियां हैं कांग्रेस की उनको जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। अगर मैं बात करूं तो कल शनिवार के दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस समय चुनाव से पहले डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। केंद्र और राज्य की सरकारों की जो योजना है उनका हम जनता तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि केंद्र ने क्या किया और राज्य सरकारों ने क्या किया है, तो ये हमारे विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर हम जाएंगे, डर्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं पड़ेंगे। जी, अगला सवाल मैं प्रभु जी से करना चाहूंगी। प्रभु जी, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए क्या कुछ रणनीति है बीजेपी के इस वक्त? देखिए बीजेपी की रणनीति है लगातार कांग्रेस पर हमला करना, कांग्रेस के जो 15 महीने के कार्यकाल की जो कमियां हैं उसको गिनाना और 10 साल का जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल रहा है उसको सामने लाना, क्योंकि 20 साल करीब बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही है और 20 साल के दौरान जनता वो चीजें भूल गई है, जो नई पीढ़ी आई उसको नहीं पता कि उस जमाने में लाइट जाने पर लोगों को क्या दिक्कत होती थी। तो जो फ्री बीज की स्कीम्स हैं, यदि लाडली बहना योजना को किया जाए तो एक ड्राइविंग मोड पर बीजेपी को लेकर आ गई है स्कीम की, महिलाओं को घर बैठे सरकार पैसा दे रही है, अभी 1,000 रुपए उनको मिल रहा है और इसके बाद उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की योजना है। बेरोजगारों के लिए सीखो कमाओ योजना सरकार लेकर आई है जिसमें वो जब काम सीखेंगे कहीं पर भी इंटर्नशिप करेंगे तो उनको 8,000 से 20,000 रुपए तक उनको मिलेगा। हर वर्ग को खुश करने के साथ ही कांग्रेस की जो कमियां हैं उनको गिनाना, कांग्रेस से अपर हैंड लेकर चलना। कमलनाथ ने पहले घोषणा की थी कि चुनाव से बहुत पहले अपने कैंडिडेट उतार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवार 39 सीटों पर उतार दिए हैं, तो एक तरीके से कांग्रेस को दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस के विधायक जीते हुए थे, जहां पर उनको रणनीति बनाने के लिए सोचने के लिए विवश कर दिया है। और इस तरीके से यदि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखते हैं तो चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो या अश्विनी वैष्णव, सबका लगातार यहाँ दौरा हो रहा है। अश्विनी वैष्णव का तो एक अपना खुद का जो पर्सनल वार रूम यहाँ पर तैयार हो गया है, जहाँ बैठकर उनकी टीम दिल्ली से आई हुई है, पूरी टीम यहाँ पर कंट्रोल कर रही। ऐसे भोपाल में यदि हम कहते हैं जहाँ पर बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, 4-5 अलग अलग वार रूम चल रहे हैं, नीचे तक फीडबैक लिया जा रहा है, जो कार्यकर्ता पार्टी का काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने के लिए लगातार बड़े नेता संपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार दौरे करने के लिए कहा गया है, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जनदर्शन कर रहे हैं, लोगों के साथ रोड शो कर रहे हैं, वो लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार लोगों को जोड़ने के प्रयास हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी अलग अलग संभागों में भेजा जा रहा है, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये वहां पर जाकर लोगों सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में कोई कसर नहीं रखना चाहती, क्योंकि टास्क पर मध्य प्रदेश के चुनाव को अमित शाह ने लिया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अगला सवाल मैं संतोष से लेना चाहूंगी। संतोष, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन चुनावों में उनका इस बार क्या रोल होगा? देखिए जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है उसके बाद लगातार ग्वालियर अंचल के दौरे उनके इतने रहे हैं कि गिनाऊं अगर मैं तो गिना नहीं सकता। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब तक ग्वालियर अंचल के 2 दर्जन से अधिक सामाजिक सम्मेलन कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है लगभग 3 दर्जन समाजों के बीच जाना और समाज के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनको बताना, इसके साथ साथ कांग्रेस
का दामन उन्होंने क्यों छोड़ा ये भी बताना। वो हर मंच पर जाते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं और ये बताते हैं कि आखिर कांग्रेस का दामन उन्होंने क्यों छोड़ा, चूंकि कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए थे वो जनता से वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, इसलिए उनके साथियों ने और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। अगर बात की जाए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी अब जवाबदारी मिल गई है, तो पूरे जिस तरह से उनको पूरे मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन की जवाबदारी मिली है, अगर बात की जाए ग्वालियर अंचल की तो ग्वालियर अंचल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दोनों का खासा प्रभाव है। तो लगातार अगर किसी तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे या रूठे हुए तो उनको भी डैमेज करने का काम किया जा रहा है और उनको समझाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो गतिरोध 2018 में थे उस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों नेता लगातार एक के साथ एक मिलकर काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए अभी दक्षिण विधानसभा में हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए इस खबर पर, अगली खबर पर आगे बढ़